हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे मेगा हिल ऑइंटमेंट के बारे में। जानेंगे ये ऑइंटमेंट आप किस चीज में यूज करते हैं और कैसे इसकी इस्तेमाल करते हैं और क्या ये कारीगर साबित हो सकता है। तो पूरे डिटेल्स में जानेंगे मेगा हिल ऑइंटमेंट के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, मेगा हिल के बारे में देखा जाए तो ये अरिस्टो फार्मास्यूटिकल के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है। 50 ग्राम आपको 295 रुपीस के आसपास आपको मिलता है और 15 ग्राम आपको 89 रुपीस के आसपास आपको मिल जाएगा मार्केट। इस मेगा हिल ऑइंटमेंट की अगर कंपोजिशन के बारे में देखा जाए, कंपोजिशन आपको इसमें कोलोइडियल सिल्वर आपको 32 mg तक इसमें मिलेगा या 32 ग्राम तक आपको इसके अंदर में मिलेगा। और कुछ अदर ब्रांड नेम के बारे में देखा जाए जो मार्केट में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि हाइड्रोहेल जो कि डॉक्टर रेडी के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है और सिल्वर एक्सहेल जो कि सनफार्मा के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है। इन सारे ब्रांड नेम पे आपको ज्यादातर मार्केट में ये वाला जो मेगा हिल जेल हो या ऑइंटमेंट आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये इसमें जो कोलोइडियल सिल्वर है ये क्या है देखा जाए तो ये एक प्रकार के मिनरल है, जैसे कि आपके आप बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार मिनरल, या अगर उसको ओरली लेते हैं तो ये आपको सप्लीमेंट हेल्थ सप्लीमेंट की तरह आपके शरीर में ये काम करता है। तो इसके नाम के अनुसार ये जो मेगा हील यानी ये इसको आप सुन के समझ सकते हैं कि हील यानी इसकी जो ज़्यादातर इस्तेमाल जो किसी बहुत ज़्यादा पुरानी घाव हो या बहुत सारे घाव डीप वाला ऊन से अगर हो गया हो तो इन सारे कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कर सकते हैं। ये जो मेगा हील जेल है ये ज़्यादातर उसके अंदर में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की तौर पर आपको इसमें सिल्वर कोलोइडियल आपको इसमें इसके अंदर एक्टिव फॉर्म में मिलेगा, जो कि ज़्यादातर ऊन्स की कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा पुरानी ऊन्स की कंडीशन अगर हो और जिसमें ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे कई लोगों के घाव हो करके उसमें होल्स वगैरह हो जाता है, होल सा हो जाता है, तो इन कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या कहीं पे अगर टाके वगैरह लगा है और वो सूख नहीं रहा है तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोड़ के अगर कहीं किसी जगह पे अगर कुछ कट वगैरह हो गया है तो वो सूख नहीं रहा है तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्जरी के दौरान भी अगर घाव ज़्यादा डीप हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ बर्न की कंडीशन हो या माइनर स्किन इंजुरी की कंडीशन हो, इन सारे कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं ये आपके शरीर में काम कैसे करता है। कोलोइडियल सिल्वर है, ये जो बैक्टीरिया के जो सेल वाल या बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होता है उसको ये डिस्ट्रॉय करता है और तब भी जाकर के ये आपके शरीर में अच्छी तरह से वर्क कर पाता है। तो जाहिर सी बात है अगर बैक्टीरिया को ये किल करता है या जर्म्स को ये किल कर देता है, आपके ऊंट्स हो या आपके कॉर्ड्स हो या कुछ स्क्रैचेस वगैरह हो, तो उसमें आपकी जो हील होने की जो चांसेस है ये ज़्यादातर बढ़ जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर मेगा हील ऑइंटमेंट को ज़्यादातर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। पर इसको आप लगाएंगे कैसे, कैसे यूज करेंगे उसके बारे में अगर देखा जाए तो आप अगर इसको लगाना चाहते हैं तो आप पहले उस ऊन को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए, आप वार्म वाटर हो या सलाइन वाटर से आप उसको क्लीन कीजिए और तभी आप इसको दिन में 2 बार या 3 बार करके आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा। तो क्या कुछ साइड इफेक्ट भी होता है? तो हो सकता है कुछ लोगों को साइड इफेक्ट हो सकता है, आपके जिस जगह पे ऊंट्स वगैरह हुआ है या जिस जगह पे कॉर्ड्स वगैरह या स्क्रैचेस वगैरह भी हुआ है उस जगह पर आपको स्किन में इरिटेशन या इचिंग टाइप की फील आपको हो सकता है। तो ये था फ्रेंड्स मेगा हिल जेल के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया या वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो या मेडिसिन के बारे में कुछ भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रोलाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।